स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रीता अंबरा आपके साथ। महिला दिवस के मौके पर सोमवार को पूरे बिहार में 1,08,703 महिलाओं को कोरोना टीका दिया जाएगा। महिलाओं को टीकाकरण केंद्रों पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विशेष तैयारी की गई है। महिलाओं के टीकाकरण के विशेष अभियान के लिए हर केंद्रों पर 4 टीमें तैनात की जाएंगी। एक टीम में 5 सदस्य होंगे। इनमें आधार कार्ड और मास्क की जांच करने समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। वह अपनी प्रतिभा के बलबूते अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने महिलाओं को बधाई दी। इस दौरान कहा कि भारत में जो चारों स्तंभ है वह मिलकर ही देश चलाते हैं। साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह के पिटाई वाली बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये आपत्तिजनक है और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। उसमें भी आप लोगों ने ज्यादा कर दिए कि हम लोग 56% हो गए हम लोग अपनी शक्ति से, और आने वाले समय में पंचायत चुनाव में हम लोग 60 पार कर जाएंगे। इसलिए आप लोगों के सहयोग से हम आगे हैं। हम तो तीनों रूप में हैं, शक्ति भी है, दुर्गा भी है और लक्ष्मी भी है। और वो तीनों जब विराजमान होता है तो ये शक्तियाँ तो आप ही ना मांगते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती चाहिए और सब चीज़ चाहिए। ये गलत बात है, ये किसी का कोई समाधान नहीं है। हम बैठ कर समाधान कर सकते हैं, हम मनुष्य हैं, थोड़ी उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन सबका समाधान आपस में भाईचारे का रिश्ता बना के बैठ के। इस बार राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में आरजेडी वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर आरजेडी अपनी बूथ कमेटियों को पुनर्गठित करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही इस बारे में औपचारिक तौर पर हिदायत जारी करने जा रही है कि प्रत्याशी बनते समय पार्टी कैडर आपस में ही ना टकरा जाएं। बिहटा प्रखंड के विशनपुर गांव स्थित ऑक्सीजन गौशाला में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मूवमेंट की 18वीं और ऑक्सीजन गौशाला की दूसरी वर्षगांठ में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा ही पहला धर्म है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संबंध में कहा कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा और दीदी की सरकार गिर जाएगी। नेतृत्व में आज देश में सरकार चल रही है और भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी दल उनकी सरकार चल रही है, तो भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार किया है और आने वाले दिनों में इस तरह के जितने राज्य हैं जहां भारतीय संस्कृति पर चोट होता हो, जहां भारतीय संस्कृति का उपहास किया जाता हो, वो राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार को एथेनॉल के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू होगी। उद्योग मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का पत्ता साफ होने वाला है। समस्तीपुर में रेलवे लाइन स्थित पंजाबी कॉलोनी के पास एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि मृत युवक विक्रम कुमार है, जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
जहानाबाद के समाहरणालय कॉम्प्लेक्स भवन में एसपी दीपक रंजन की अध्यक्षता में थाना अध्यक्षों के साथ अपराध संगोष्ठी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने क्षेत्र के शराब माफियाओं पर कड़ी नजर बनाए रखने और शराब तस्करी में जुटे लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुछ दिन बाद होली आने वाली है, जिसमें तस्करों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। आज अब मासिक अपराध गोष्ठी की जा रही है इस जिले में, और इस जिले में जो भी लंबित कांड हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। स्पेशली जो गंभीर अपराध हैं हमारे, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और सांप्रदायिक दंगे, इस मामले में सबसे पहले प्रायोरिटी की समीक्षा है। इसमें जो फरार अभियुक्त चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, वारंट निर्गत किया जाए, कुर्की की जाए, और लंबित कुर्की वारंट के निष्पादन के लिए इसमें समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ आने वाले जो भी हमारे पर्व त्योहार है उनके लिए भी विधि व्यवस्था की समीक्षा। मुजफ्फरपुर जिले के साइंस कॉलेज मैदान में ब्रह्मर्षि चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में भी किसानों को आगे आकर दिल्ली और पंजाब की तरह किसान आंदोलन में शामिल होना चाहिए। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सहित कई दिग्गज भी मौजूद रहे। उस गांव के अन्य लोग तो जाट समुदाय, वो भी एक हम लोगों की तरह बिरादरी है, आज पूरे देश में झंडा लेकर सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रही है। ये केवल जाट का सवाल नहीं है, ये केवल सिख का सवाल नहीं है, और स्वामी जी हम लोगों के पुरखे हैं, उनका उनका नाम लेके यहां भी उनका बड़ा ये लगा। तो स्वामी जी पूरा जीवन पर्यंत छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे भूमिहार लोगों की लड़ाई। भारतीय रेलवे और असम की संस्था प्रयास इंडिया संयुक्त रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रयास इंडिया की ओर से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर कार्यालय के सामने NHI की अनुमति लेकर एक बेहतरीन पार्क बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पार्क में अधिकतर वेस्टेड मटेरियल यानी कचरे का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पार्क को खूबसूरत रूप देने के लिए असम और बंगाल से दर्जनों की संख्या में कलाकारों को भी बुलाया गया है, साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी तरजीह दी जा रही है। ये जितने भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं यह सब स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही चलाए जा रहे हैं, और ऐसा देखा जाता है कि जो भी एरिया स्वच्छ होता है वहाँ पे गंदगी नहीं रहती है, और जो वहाँ पे काम करने का जो मज़ा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी के तहत इस पार्क को डेवलप किया गया है। इस पार्क में हम लोगों ने जो रेलवे के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ कलाकृतियाँ लगाई हैं, ग्रीन ग्रास वहाँ लगाया है, और जो स्लीपर्स जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका उपयोग करते हुए उसको फेंसिंग किया गया है, बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है।